24 घंटों के अंदर इजराइल और ईरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बेन्यामिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर वन, अमेरिका ने इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू को शॉक नंबर टू, इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर तीन, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर देखकर इजरायल खौफ में डूब चुका है। इस वक्त ईरान के इजराइल पर हमले और गाजा पर इजराइल की लगातार बमबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक फोर्स इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, इजराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस बटालियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खूब जुल्म ढहाए हैं। देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि बहुत बड़े विवाद में घिर चुकी है इजराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन। इस बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन का इल्जाम है। 1999 में बनाई गई बटालियन में सिर्फ पुरुष सैनिक हैं और वो भी अति रूढ़िवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है। नेत्जा यहूदा बटालियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2023 से पहले के हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहां 460 से ज्यादा लोगों की इजराइल की सैन्य कार्रवाई में मौत हो चुकी है। इजराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। इसलिए यही है बेन्यामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर वन। नेत्जा यहूदा बटालियन पर पाबंदी का मतलब इजराइल की सेना पर काला धब्बा। नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है। बाइडन का आक्रामक रवैया देखकर नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन ऐसा आया है कि साफ लग रहा है कि इजराइल अब ईंट से ईंट बजा देगा, उसकी राह में जो आएगा तबाह कर दिया जाएगा। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל... अब देखिए, बेन्यामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर टू, इजरायली सेना के इंटेलिजेंस चीफ एहरॉन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने इजरायली टैंकों को जलते हुए देखा। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई। इसी के बाद से इजराइल में अंदरूनी कोहराम मचा था। इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल एहरॉन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया। ये ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। गाजा पर रोजाना नॉनस्टॉप बमबारी के बावजूद इजराइल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अब भी खाली हाथ है। 2024 में अप्रैल का महीना इजराइल के लिए ही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। अमेरिका इजराइल की मदद करने की बजाय उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है। इजराइल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच ईरान से बड़े युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मिलिट्री कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इसे ईरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इजराइल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं। मसले अव्वल
ظهور قدرت اراده ملت ایران. इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। जबकि इजराइल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अप्रैल की रात ईरान की कुछ मिसाइल इजराइल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयरबेस पर गिरी थी। इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इजराइल की साख पर गिर रहे हैं। नेतन्याहू के कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इजराइल की पब्लिक पूछ रही है कि गाजा में बंधक बनाए हुए लोग कब आजाद होंगे। इजराइल से लगातार पूछा जा रहा है कि ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहां है।